और जब 5 साल पूरे हो जाए फिर आपका आशीर्वाद लेने के लिए जाओ और जनता ये महसूस करे कि इसने अच्छा काम किया है फिर आशीर्वाद लेके उनको कामयाब किया। लेकिन ये जब से भारतीय जनता पार्टी के लिए खून लगा है कि आप सनातन का नाम लो, भाई से भाई को लड़ाओ, जाति बिरादरी का झगड़ा करो, कहीं से वोट काटने की रणनीति के तहत लोग पकड़ के लाओ, ये साजिश की राजनीति जब से शुरू हुई है राजस्थान का विकास ठप हो गया। एक साल में मेरी चुनौती है बीजेपी को, बीजेपी ये वोट वोट में आई है, चुनाव की हार जीत तो लोग तय करेंगे, लेकिन ये बता दें कि हमने राजस्थान का विकास का क्या कहा। मैं तो बगल में पड़ोस हूं आपके, बेशर्मी से लगाम आ रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, गहलोत सरकार ने सीधे बनाए, लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए कहीं 125 किलोमीटर दूर गांव में बैठा हुआ आदमी, जिला मुख्यालय 125 किलोमीटर 130 किलोमीटर जब से सरकार बनी है क्या कह रहे हैं ये जिले तो हटाएंगे। अरे कर्म भूतो, नए जिला बनाने की बात करते हैं तो समझ में आती है, लेकिन जो लकीर विकास की चीज दी गई थी आप उसको मिटाने के लिए निकले हो और 23 तारीख का इंतजार है, 23 का भी छोड़ो आप, 13 तारीख की बात कर लो, 13 को चुनाव है, 13 तारीख के बाद में ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले हैं, यहां लंबे लंबे भाषण देंगे।